नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। करीब 125 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। जिस परिवार और समुदाय में उनका जन्म हुआ वो शोषण, पीड़ा और भेदभाव का शिकार था। बचपन में बाबा साहब को भी उन सभी भेदभाव का सामना करना पड़ा जो पूरे समुदाय को झेलने पड़ रहे थे। लेकिन जब मौका मिला तो वो दलितों के लिए लड़े, महिलाओं के लिए लड़े और सामाजिक आर्थिक बदलाव के बड़े वाहक बने। 20वीं सदी के महानतम लोगों की सूची में बड़े आदर के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है। विशेष में आज हम आपको बाबा साहब के जीवन, उनके संघर्ष और भारत के लिए उनके सपनों से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी और समानता के लिए जो काम किया उसे कोई दोहरा ना सका। जिस स्मारक के बाहर मैं खड़ी हूँ ये वही जगह है जहाँ बाबा साहब ने अपने जीवन का अहम वक्त गुजारा। इस दुनिया से गए उन्हें 60 साल से ज़्यादा हो गए, बावजूद इसके आज भी वो दलित, शोषितों और वंचित वर्गों की आवाज़ बने हुए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उनमें एक अहम नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का भी है। बाबा साहिब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश में दबे कुचले वर्गों को बराबरी दिलाने, देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने और कानूनी तौर पर लोगों को सक्षम बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। अंबेडकर ने दलितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन पर वो रहते हैं उसमें उनका भी हक है, जिस आसमान के नीचे वो सोते हैं उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। यही अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा है। उनके पिताजी फौज में थे तो फौज के जीवन में ऐसा कोई जातिभेद उनको झेलना नहीं पड़ता था। और फिर जब उनको एहसास हुआ, जो एक यात्रा के बारे में लिखते हैं, वो पिताजी ने उन लोगों को बुलाया था, 3 भाइयों को, जिन दिक्कतों को, तो मतलब एक प्रतिक्रिया ये हो सकती थी कि घृणा से मनुष्य का मन भर जाता, लेकिन उन्होंने घृणा के जड़ों तक जाने की कोशिश की और जो जातिवाद है, जो धर्म के साथ, धर्म और रूढ़ियां ये भारतीय मानस को कितना जकड़ी हुई है, उसके बारे में उन्होंने गंभीरता से सोचा और एक नया रास्ता उन्होंने दिया हम लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे थे। वो इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में रहने वाले रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। बचपन बेहद परेशानियों में गुजरा। सिर पर गरीबी और एक अछूत जाति महाड़ में जन्मने का बोझ सिर पर उठाए अंबेडकर स्कूल पहुंचे। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और उन्होंने बड़े स्कूल में दाखिला पाया। अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल एल्फिनस्टोन रोड के पहले दलित छात्र थे। पाठशाला दूर थी, वहाँ वो हॉस्टल में रहते थे और घर जा रहे थे तो पैदल ही निकले थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 4वीं 5वीं में पढ़ने वाले, वो उनके भाई पैदल निकले थे। बीच में एक गाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी तो बैलगाड़ी वाले को दया आई कि ये छोटे से बच्चे जो हैं इनको मैं गाड़ी में बिठा लेता हूँ, तो उसने गाड़ी में बिठा लिया। और थोड़ी देर के बाद वो पूछने लगा कि तुम किस जाति के हो, तो जैसे ही भीमराव अंबेडकर ने और उनके भाई ने बताया कि हम महाड़ जाति के हैं, महाड़ नाम सुनते ही वो गाड़ी वाला गाड़ी रोक कर गाड़ी से उतर गया। बाबा साहिब ने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद वो बम्बई विश्वविद्यालय पहुंचे और भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिस पर अछूत होने का तमगा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी जिंदगी में दुत्कार, जातीय अपमान और जिंदा रहने की जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उन्हें स्कूल में कभी दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा गया। दूसरे अछूत बच्चों की तरह क्लास में अलग बिठाया जाता। स्कूल में पानी पीना तो दूर, पानी का बर्तन छूने तक की इजाजत नहीं थी। ना कोई टीचर उन पर ध्यान देता और ना ही कोई उनकी मदद करता। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ और उनके भाइयों के साथ अस्पृश्यता का बहुत, भेदभाव का बहुत उन्हें अनुभव हुआ। पाठशाला में वो सबसे पीछे उन्हें बैठना पड़ता था, सभी बच्चों से सबसे पीछे वाली रो में बैठना पड़ता था। और टीचर जो पढ़ाते थे तो वो भी उन्हें स्पर्श नहीं करते थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के शासक सयाजी राव गायकवाड़ ने अमेरिका में पढ़ने के लिए 25 रुपए महीना का वजीफा दिया। 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्होंने पीएचडी किया। इसके बाद 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से नवाजे गए। अब तक अंबेडकर काफी मशहूर हो चुके थे। 1926 में उन्हें बंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। अब अंबेडकर सिर्फ राजनीति तक सीमित होकर नहीं रहना चाहते थे। बंबई विधान परिषद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संसदीय राजनीति की पाठशाला बनी। इसी के बाद वो समाज में गैर बराबरी के खिलाफ हुए संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अनूठा अभियान चलाया। अंबेडकर समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में शामिल हो गए। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए। इस दौरान उन्होंने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना की। 1920 में जब वो लौट के आए थे तो शाहू महाराज थे महाराष्ट्र में। उन्होंने बाकायदा कहा था कि दलितों, माणगांव सम्मेलन हुआ था 1920 का, कि दलितों तुम्हें अपना नेता मिल गया, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी दलितों के बीच पहली शख्सियत थे वो, तो एक अच्छा जीवन बिता सकते थे। और उन्होंने लगातार राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय रहे वो। उन्होंने ये और एक बड़ा उनके जीवन का जो पहला अहम संघर्ष जो हम लोग देख सकते हैं महाड़ सत्याग्रह का, 1927 का जो महाड़ सत्याग्रह है, पानी को लेकर के सत्याग्रह हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने उन दिनों नीति बनाई थी कि दलितों के लिए सार्वजनिक तालाब खोल दिए जाएं। और महाड़ में जो लोग थे उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन फिर भी सवर्णों की तरफ से, जो ऊंची जाति के लोगों की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस तालाब में जानवर जा सकता है लेकिन दलित नहीं जा सकते। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखी और कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस से आजादी पाने में है। उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्या का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। इसके तहत विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। दलितों को मंदिर प्रवेश, केवल एक नागरिक होने का अधिकार तो जरूर चाहिए, लेकिन मंदिर प्रवेश ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने आर्थिक सवालों की तरफ अपना रुख बदला कि दलितों को आर्थिक जो स्थिति है उनकी, जो सबसे पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि उनके पास अपना ऐसा कोई काम नहीं है कि जिससे कि उनकी आय बढ़े। देश आजाद हुआ तो अंबेडकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में देश के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर आजीवन सांप्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक बने रहे। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। पहले के जो समाज सुधारक थे, मतलब तो वो मुख्यतः हिंदू धर्म के अंदर सुधार की बात करते थे, उनको लगता था, लेकिन उनको उन्होंने महसूस किया कि जब तक जाति उनका उन्मूलन नहीं होगा तब तक ये गुलामी कैसे मिट सकती है। मतलब सिर्फ कोई रिपेयरिंग की बात उन्होंने नहीं की, जातियों का उन्मूलन करना होगा। उसमें साथ साथ उन्होंने कहा कि जातियों का उन्मूलन, जाति का सवाल धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तो जातिभेद का उन्मूलन में वो कहते हैं कि धर्म पर भी जो धर्मशास्त्र की किताबें हैं हमें उन पर भी सवाल उठाने होंगे। अंबेडकर ज्ञान का सागर थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाज शास्त्र और कानून पर कई किताबें लिखी। उन्होंने दलित समाज से कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2012 में हुए एक टीवी सर्वे में उन्हें महानतम भारतीय चुना गया। अंबेडकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और शिक्षाएं देश की आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ समतामूलक समाज के पैरोकार हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और धर्म की बराबरी के समर्थक भी हैं। वो मनु की बताई सामाजिक व्यवस्था का विद्रोह करते हैं। वो दलितों को सिर्फ समानता के अधिकार तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उनमें चेतना और जागृति का संचार भी करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में सामाजिक एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता के बड़े पैरोकार माने जाते हैं। जातीय व्यवस्था की बुराइयां झेलकर बड़े हुए अंबेडकर आजीवन लोगों को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का विरोध किया, साथ ही दूसरे धर्मों की कट्टरता को देश के लिए खतरा बताया। वो देश में दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों की परेशानियों में समानताएं देखते थे और अक्सर साझा संघर्ष की बात भी कहते थे। जाति को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के कई सारा किताबें उन्होंने लिखी हैं। मतलब अगर एक 50 किताबें उन्होंने लिखी चीज़ों को लेकर के, और लेकिन उनका विचार सिर्फ धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के नहीं था। उन्होंने कानून को लेकर के भी लिखा, इसीलिए संविधान बनाने में उनका योगदान था। एक आर्थिक नजरिया उनका था, ये था, तो एक पूरा एक व्यापक दृष्टिकोण भारतीय समाज के बारे में था उनका। भारत में जातीय व्यवस्था की बुराइयों पर डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बेकसूरों पर बेरहमी और अत्याचारों को रोकना ही दलितों की मूल समस्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने जातीय व्यवस्था के विरोध में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन मैं किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर अछूत भी बना हूँ तो भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मैं केवल अपने आध्यात्मिक नजरिए के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। उस समय सभी अस्पृश्य हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू होने के बावजूद भी उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं था। तो मंदिर प्रवेश का अधिकार होना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने काला राम मंदिर का, नासिक के काला राम मंदिर का सत्याग्रह किया। उनको लग रहा था ये कि हिंदू धर्म के अंदर एक ऐसी भावना पनपेगी लोगों के अंदर कि वो लोग खुद सुधार हो जाएगा। लेकिन बाद में वो इस बात को लेकर के थोड़े निराश हुए। उनको लगा कि हिंदू धर्म में जो बर्बरताएं हैं, जो दिक्कतें हैं, इनका जो रूढ़िवाद मना है, तो उनको उन्होंने यवला सम्मेलन में ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू पैदा भले हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। सामाजिक बराबरी की पैरवी करते हुए बाबा साहब ने कहा कि मूल रूप से पशु और मनुष्य में यही विशेष अंतर है कि पशु अपने विकास की बात नहीं सोच सकता, मनुष्य सोच सकता है और अपना विकास कर सकता है। अंबेडकर सामाजिक बराबरी के साथ साथ राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की पैरवी करते रहे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अंध राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद और धार्मिक राष्ट्र के खतरों से आगाह भी किया। अंबेडकर ने कहा कि धर्म नहीं बल्कि मानवीयता और बराबरी राष्ट्र की बुनियाद है। तो एक बड़ी बात जो उन्होंने, जो झकझोरने वाली बात जो कही थी समाज को, जाति को लेकर के, क्योंकि बिना धर्म को चुनौती दिए, बिना पितृसत्ता को चुनौती दिए हुए दलितों की मुक्ति नहीं हो सकती है, और रीजन रैशनैलिटी का रास्ता अपनाए दलितों की मुक्ति नहीं हो सकती है, ये बात उन्होंने एक प्रखर रूप में कही और अंत तक कहते रहे। वो मानव के अस्तित्व पर भी बाबा साहब ने खुलकर अपने विचार रखे। उनका मानना था कि पैसा और यश कमाना ही मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो कहते थे, जैसे ही हम अपने सोच के दायरे को बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने सपने को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ जाते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी खास उद्देश्य से हुआ है, जो हम सबको एक दूसरे से विशेष बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब का कहना था कि जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। जिस तरह विचार नहीं मर सकते, उसी तरह आत्मा भी नश्वर है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अमर नहीं है, लेकिन हम अपने पीछे अपने चिंतन, विचार और दर्शन छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे विचार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहें। उन्नीस सौ 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि देश किस तरफ आगे बढ़ेगा। इस बात पर तो सहमति थी कि देश का ढांचा लोकतांत्रिक होगा, लेकिन ये लोकतंत्र कैसा होगा ये तय करना मुश्किल था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. ये वो यादगार तस्वीरें हैं जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। India will awake to life and freedom. पूरा देश जश्न में डूबा था, लेकिन नीति निर्माताओं के लिए ये बेहद भागदौड़ वाले दिन थे। संविधान तैयार करना आसान काम नहीं था, लिहाजा इनकी जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ कद्दावर नेता और समाज सुधारक थे, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार संविधान तैयार हुआ और 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी। अंबेडकर ने इस दौरान आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि संविधान बनाने का जो उनका योगदान है वो तो रेखांकित करना ही होगा, लेकिन उनका जो अपना नजरिया था वो उस पर भी बात हम लोगों को करनी चाहिए। जो संविधान बनाने के पहले उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, राज्य स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज नाम से। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के वो अध्यक्ष थे, जिसकी तरफ से उन्होंने संविधान समिति को एक मसौदा पेश किया था, जिसमें जो एक विजन वो पेश करते हैं, वो विजन पर भी मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल पर ज्यादा भरोसा जताया। समानता और विविधता उनके राजनीतिक नजरिए का मूल है। अंबेडकर ने जनता के देश की सारी जनता को नागरिक के बतौर बराबर अधिकार देने की पैरोकारी की, और देश में पहली बार लोगों के भीतर ये एहसास जगा दिया कि वो राज्य की नजर में एक दूसरे के बराबर हैं। अंबेडकर ने भारत को जो नक्शा पेश किया वो आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़ा भारत था। दलितों के, दलित या आदिवासी या पिछड़ा समाज या अल्पसंख्यक समाज और महिलाओं को के समान अधिकार का, उन्हें समान अधिकार मिले, क्योंकि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर, यहाँ तक कि क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी हम भारत बटा हुआ था। आजाद भारत की हम बात कर रहे हैं। कानून मंत्री के तौर पर भी उन्होंने समानता की पैरोकारी की, और समानता के प्रति उनका नजरिया सिर्फ जातियों को लेकर नहीं था और ना ही धर्मों को लेकर, बल्कि वो लैंगिक समानता के भी बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने और तलाक का अधिकार देने की वकालत की, और आखिरकार कई मुद्दों पर असहमति होते देख उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। संविधान बनाने का उनका योगदान है तो अहम था ही, लेकिन साथ साथ हिंदू कोड बिल के लिए जो उन्होंने काम किया, जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती और जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, 1951 में नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, जिसमें क्योंकि पहली बार हिंदू स्त्रियों को अधिकार मिल रहा था, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आजादी के पहले एक हिंदू पुरुष पर कोई पाबंदी नहीं थी, कितनी शादियां कर सकता है वो, 10 शादियां भी कर सकता था, 20 शादियां भी कर सकता था। मुस्लिम्स में कम से कम 4 शादियों पर पाबंदी थी। तो मोनोगैमी का सवाल ही नहीं था, एकमती सवाल ही नहीं था, और प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था। भीमराव अंबेडकर की शख्सियत इतनी विशाल थी कि उनके कई बड़े कामों की चर्चा नहीं हो पाती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन दिनों खूब चर्चा हुई और आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यही नहीं, अंबेडकर बड़े बांधों की तकनीक के भी जानकार थे और आजाद भारत में उन्होंने दामोदर, हीराकुंड और सोन नदियों पर बनी परियोजनाओं में अहम भूमिका अदा की। अंबेडकर ने मजदूरों के काम करने की अवधि को कम करने के लिए पूरा जोर लगाया। 7वें भारतीय मजदूर सम्मेलन के दौरान अंबेडकर की कोशिश के बाद ही मजदूरों की काम की अवधि 14 घंटों से कम होकर 8 घंटे हुए। यही नहीं, वो रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे और लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी के सवाल उठाते रहते थे। संविधान को जब अंगीकृत किया गया तो अंबेडकर ने आने वाले दिनों को लेकर कुछ चिंताएं भी जाहिर की। समाजवाद की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि उद्योगों को राज्य के नियंत्रण में लेना चाहिए, जमीनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो आज की तारीख में लोगों को अपचनीय हो सकती हैं। ऐसी तमाम बातें उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक नामक ग्रंथ में लिखी थी, और जो एक उसमें ही वो बहुसंख्यकवाद का खतरा देख रहे थे। भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए 2 चीजों को बेहद जरूरी मानते थे, पूंजीवाद और जातिवाद का खात्मा। उन्होंने बाद के दिनों में पूंजीवाद पर भी चोट किया। जानकार मानते हैं कि अंबेडकर के सपनों का भारत और खुद अंबेडकर को जिस तरह आजकल पेश किया जा रहा है वो कई मायनों में आधा अधूरा है। एक संविधान ही ऐसा एक बहुत बड़ा सब हो सकता है जो कि एक बहुत बड़ी कानून का एक दायरा हो सकता है कि जिससे कि सबके बीच में स्त्री पुरुष और जाति के आधार पर समानता या धर्म के आधार पर सभी समानता, भाईचारा और न्याय हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। उन्होंने हाशिए पर छूट गए लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी और नीति निर्माण में अनुपातिक जगह की वकालत की। अंबेडकर आखिर तक किसी भी तरह के इंसानी भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे और राजनीतिक समानता के अलावा सामाजिक समानता को हासिल करने के लिए वो लड़ते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर यह था हमारा आज का विशेष। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।